स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों से रिलेटेड रहेगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 2 या 3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या नहीं। तो डीओई की तरफ से सर्कुलर इश्यू हो गया है और इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपकी ना एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, और आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो मई 11 से जून 9 तक होगी, और ये मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है, 7:30 से लेकर 11:30 के आसपास जो टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि जो 10th मई को ना जो रिजल्ट आ रहा है ना कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, तो जो 9th में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है वो 10th में आ जाएंगे, और 11th वाले बच्चों की जिनकी कंपार्टमेंट है वो 12th में आ जाएंगे, तो उनकी भी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, उनको भी स्कूल में जो है बच्चों के साथ ही स्टडी करनी होगी। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि जो ई कंटेंट है ना, मतलब जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी डीओई इशू करवा रही है, जो आप डीओई की साइट पर ये इस प्रोसीजर को फॉलो करके गेट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट, अलग अलग जो टॉपिक है, जिससे कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक बात बोली गई कि जो बच्चे अभी यहाँ 9th में है ना, उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस की बात नहीं कही गई है। ठीक है, मतलब 10th और 12th की बात की गई है एक्स्ट्रा क्लासेस की, बाकी जो 3rd से लेकर 8th क्लास के बच्चे हैं उनका तो मिशन बुनियाद चलेगा ही चलेगा। ठीक है, 9 जून तक ऐसी 10th और 12th की भी क्लासेस रहेंगी। तो जो बच्चे भी 10th में अभी एग्जाम दिए हुए हैं और वो 11th क्लास के में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी भी कोई क्लास नहीं है। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफली आपको बता दूं कि 10th की 12th क्लास की अब एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, और 3rd से लेकर 8th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आया, जो 10th क्लास में अभी पेपर देकर मतलब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उनके भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। 9th क्लास के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनकी भी कोई क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, तो बस यही कहना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।